सरकार ने समाधान शिविर आयोजित किए तो उनका फ़ायदा जो है आम पब्लिक को होने लगा है। मैं इस समय पानीपत के जिला सचिवालय में खड़ा हूं और यहां पर जो है कई दिनों से समाधान शिविर चल रहे हैं और लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है कि समाधान शिविर चल रहे हैं तो लोग भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गया। और आज की शिकायतों की बात करें 300 से ज़्यादा शिकायतें जो हैं यहाँ पर पहुँची हैं। पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला जो है आप लोग लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह 9 बजे ये लोग बैठते हैं और 11:30 बजे तक यहाँ पर जनता की सुनवाई करते हैं और मौके पर जो सुनवाई होती है जिसका समाधान होता है उनका समाधान मौके पर ही करवा दिया जाता है और बाकी जो पेंडिंग जो शिकायतें रह जाती हैं 1-2 दिन में जो है उनका समाधान जो है करवा दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब लोगों की सुनवाई होना शुरू हो गई है। पानीपत के उपायुक्त से भी हम लोग इस बारे में बातचीत करेंगे कि आखिरकार समाधान शिविर में इतने लोग क्यों पहुंचते हैं। अगर जो निचले स्तर तक कर्मचारी निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो अगर जो काम करके दे दें तो शायद ऐसे समाधान शिविरों को आयोजित ना करना पड़े। तो जैसे जैसे शिविर यहाँ पर चल रहे हैं वैसे वैसे लोग भी जो है यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देखिए, एक महिला जो है बड़ी खुश लग रही है यहाँ पर क्योंकि उसका काम हो गया है। फैमिली आईडी में उनकी इनकम जो है ज़्यादा दिखाई गई थी और अब वो खुश हैं, उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया जा रहा है। तो आप ये तस्वीरें देखिए और इस महिला से आपकी बातचीत भी करवाते हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम? रीना देवी जी। कहाँ से हो? ताजपुर से। कैसे आ रहे थे? फैमिली आईडी इनकम कम करवाना आए थे। सीएससी सेंटर वाले नु कह रहे 1.5 लाख है, भी यहाँ कम हो ही पाई है। अपने आप पे हो ही पाई। अपने आप? हाँ। अच्छा, तो आज क्या कहा? आज कुछ नहीं कहे, आज तो ये बोले कम है, बस ये फोटो खिंचवा दी जी मेरी। हार किस लिए डाला? इसके लिए तो डाल लिया कि इनकम कम होगी। कितने टाइम से आप सीएससी सेंटर में जा रहे हैं? परसों परले दिन तो गई थी, उसने तो प्रिंट निकाल के दिया वो 1.5 लाख का। अच्छा, अरे बाज यहाँ आकर देखे तो यहाँ 50 से 75 है। तो 1.5 लाख इनकम आपको कुछ नहीं, किस चीज़ की दिखाई है? नहीं तब कह रहे थे मामा हमारे एक करने वाला, 4 2 बच्चे हैं जी, एक मैं तो जी हाउस वाइफ हूँ, वही कमाओ जी दाड़ी मजदूरी करे, मान लो कभी काम आ जा, कहीं कभी आता नहीं, मतलब 1.5 लाख कर दीजिए, मान लो 1.5 लाख हो जा साल में, यार बीमारी भी है जी गात में, ऐसे करो मैं कहीं इनकम कम करवा ले। आपका कैंप के बारे में किसने बताया था? यहाँ पे कैंप लगता है? फोन में देखे थे जी, जेठ के छोरे ने बताया फोन में ही, कोई कैंप लग रहा है, आई भी इनकम कम हो जाए। अब ऐसे ऐसी सेंटर पर गए, वहाँ 1.5 लाख बता रहे थे, फिर मैं जो चलो मैं एक हफ्ता हो गया जी हंट दिया यार, आज नंबर पड़ा है और एक हफ्ता हो गया जी मैंने। हाँ, और वहाँ जो कर पर्ची कटवाने गई वहाँ पर्ची भी दे रहे थे, अगर इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, मैं जी पर्ची तो दे दो चाहो या ना हो मारना ना तो दरखास्त देनी बस जी। आज आया नंबर? आज नंबर। आज खुश हो? हाँ ठीक है जी, खुश हो गए और इनकम कम होगी बस। तो आपने बात से सुनी, जो लोग खुश हैं उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि अगर वो निचले स्तर का अधिकारी चाहे या निचले स्तर का कर्मचारी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी जो समाधान शिविर है वहाँ पर भी इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाता है, उनका समाधान जो है वो किया जाता है और कई कई दिन तक ये लोग जो है धक्के खाते हैं, लेकिन नीचे वाले जो बाबू हैं वो राह तक नहीं देते। इस सारे मामले में हमने डिप्टी कमिश्नर पानीपत से बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने खुद भी माना इस बारे में कि अगर वो निचले स्तर तक के जो अधिकारी हैं अगर वो सही ढंग से काम करें तो डीसी को खुद यहाँ बैठने की जरूरत ना पड़े और सरकार को इन सारे कामों में इन्वॉल्व ना होने की जरूरत पड़े। तो डिप्टी कमिश्नर जो है पानीपत उनसे बातचीत करते हैं। देखो शिकायतें दरबार से फ़ायदा हो रहा है जब तो लोग आ रहे हैं, अदरवाइज़ आप सिस्टम में मेरे मोबाइल पे भी अभी शिकायतें आती हैं तो क्यों आती हैं, मैं उनका निस्तारण करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, उनके थोड़े डिस्प्यूट थे वो अब रिजॉल्व होने लग रहे। जैसे कल भी हमारे 70 हमने रिजॉल्व करके भेजी थी, आज भी हमने आज 325 आई उसमें भी 70-80 आज रिजॉल्व हुई है। कुछ ऐसा है जैसे जिन्होंने आप प्रॉपर फैमिली आईडी में आप गलत करते हो, खुद ही आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दी 5 लाख रुपए की, अब आप आगे खड़े हो गए यहाँ पे कि जी मेरी इनकम कम कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता, आप आईटीआर भर के फिर इनकम कम कराओ। उसके लिए सरकार ने अभी उस पर निर्णय नहीं लिया, अदरवाइज सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यदि आपकी इनकम कम है आप एक एफिडेविट दे दो वो कम हो जाए। तो ऐसे आदमियों की तो हम तुरंत एफिडेविट लेके इनकम कम कर रहे हैं, पर जिन्होंने आईटीआर भर रखी है वो भी 3 साल से भर रखी है तो उसकी इनकम पे कैसे कम होगी, उसको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि जो पहले कैसे थे, मेरी नौकरी थी या नहीं थी, उसमें टाइम लगेगा, रिजॉल्व उसको भी करेंगे। बाकी ये है, अब कुछ कंप्लेंट क्या कुछ में अभी होने लग गया, लोगों का वो उत्साह ये हो गया कि भाई काम हो रहे हैं तो अब कई हमने डिमांड रख दी। एक होती समस्या, एक होती डिमांड, जी हमारा यहाँ पे पशुओं का हॉस्पिटल बना दो, हमारे बेंच रखवा दो, वो डिमांड हो गई। तो डिमांड के लिए शिविर नहीं लगते, कभी समाधान शिविर है,
लोगों की शिकायतों का निवारण होना है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है महकमों के कारण, जैसे विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, वो भी आज 30-40 आई हैं, उनमें भी वो प्रोसेस कर रहे हैं। रोजाना हम सुबह रिव्यू करते हैं। शुक्रवार को आई थी 212 और 35 ADC की रिजॉल्व होगी थी, 14 SP की रिजॉल्व होगी थी, 98 ADC की आई थी, 26 वो आई थी, बाकी औरों की नहीं। फिर जैसे डेली रिपोर्ट भेजते हैं हम चीफ सेक्रेटरी साहब को, 21 तारीख को आई थी 114 ADC की, 87 रिजॉल्व हो गई थी, 27 पेंडिंग रही थी, टोटल 201 में से 103 रिजॉल्व हो गई थी उसी दिन। ये सेम डे होती है रिजॉल्व के, 2-3 दिन लग जाते हैं? नहीं, सेम डे भी रिजॉल्व हुई, आज भी हम बता देंगे आपको आंकड़े कि जो सेम डे रिजॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे अब SP के पास आगे जो FIR होगी, मुकदमा दर्ज कर दिया, तो हम उसको रिजॉल्व में कंसिडर करते हैं। FIR दर्ज कर दी तो बाकी जैसे उनकी 22 थी 12 पे, जिसमें FIR नहीं दूसरे पक्ष को भी जानना पड़ता है, उसमें 2-4 दिन लग जाते हैं। सपोज करो कोई आके आप आओ और कोई झूठी शिकायत दरखास्त देना चाहें तो आदमी वेरीफाई तो करता रहा पुलिस, और जहाँ उसको लगता है कि इसका जेन्युइन है तो FIR के ऑर्डर भी करा देते हैं। तो जो FIR हो जाती है तो उसी टाइम उसका निस्तारण मान लिया जाता है। जैसे ADC की है फैमिली ID में ठीक नाम करेक्ट करना है, करेक्ट हो गया तो हो गया। कईयों को आपने देखा फूल माला भी पहना दी थी, जो जबी की जबी होगी, वो हमारी एक स्टोरी बनती है कि भाई बंदा कितना खुश हुआ कि जी देखो आज सरकारी सिस्टम में आया, अदरवाइज सरकार में। और बात सही भी है, देखो मैं इसमें मानता हूँ यदि सारे अफसर सारे अधिकारी सिंसियरली काम करें तो लोगों को तकलीफ कम होगी। अफसर थोड़ा समय निकाल के जरूर बैठे, जैसे हम बैठते हैं 9 से 11, सारे अफसर हैं, कम से कम निपटारा तो हो रहा है। मतलब लोग ये तो है ना, सुन तो रहे हैं ना, दो ही बातें होती है, या तो काम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर होगा नहीं, लीगली नहीं बन सकता उसका, यही है ना। पर जहाँ बीच में अटके घूम रहे हैं लोग, चक्कर काट रहे हैं, उसका निस्तारण हो रहा है इस पर। तो फिर आप अफसरों से आपकी बात नहीं होती भी, मतलब पब्लिक इतनी मेरे पास आ रही है? मैं तो धमकाता हूँ अफसरों को कि तुम्हारे कारण मेरे को बैठना पड़ा, यदि सारे अधिकारी ठीक ठाक काम करते तो फिर बैठना क्यों पड़ता, सरकार ने निर्णय क्यों लेना पड़ता, DC SP सारे बैठेंगे, वो निर्णय इसलिए लेना पड़ा, वो अफसर आना पड़ता ना, यदि मैं बैठा तो बैठना पड़ता ना। और मैं जैसे ही कोई शिकायत आती थी इसके आदमी को, उसी को मार करता हूँ, फिर अगले दिन रिव्यू करता कि भैया इसकी शिकायत पर क्या रहा, और उस आदमी को भी कह देता हूँ कि 2-3 दिन के बाद ना हो तो मेरे पास आ जाना, और आजकल हम एक रिसीट भी दे रहे हो, आके अपनी पावती दिखा दे कि जी ये हमारी पावती है और अब तक हमारी शिकायत पर समाधान नहीं हुआ। तो उसका समाधान हमारी कोशिश, मेरी कोशिश ये रहेगी कि तकरीबन जितनी समस्याएं हैं 95% भी रिजॉल्व हो जाए। जो अब तक आप देखो ना, 10 तारीख से पहले 100 आई थी, फिर 132, फिर 201, फिर 222, आज 325 टच कर गई। तो लोगों को ये हो जाता है कि भाई जब काम होने लग रहा है, जो रिजॉल्व होगी, जैसे शुक्रवार 201 में से 103 रिजॉल्व होगी, मोर देन 50%, तो लोग ये होते हैं कि रिजॉल्व होगी इसका मतलब, अदरवाइज तो आप बैठे रहो, नहीं आएंगे आप संभालका में कहाँ आते हैं, कितने आते हैं शिकायत, 2 या 4, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, संभालका से भी आते हैं, इसराना से भी आते हैं। मैं कहता हूँ भी वहाँ बैठे बोला जी नहीं, हम तो ये निवारण यही करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है अक्सर ये काम करना क्यों नहीं चाह रही, मतलब आप करने के बाद जो सरकार को दखलंदाजी करनी पड़ी, आपको बैठना पड़ा बीच में इसी घर में? देखो ऐसा है ना, वो 20% आदमी हमेशा काम करते रहते हैं, 20% आदमी उनको कहो कुछ कहो या ना कहो, वो हमेशा काम करते रहेंगे। 20% आदमी उनको कुछ कह लो मोटी चपड़ी है, 4 सीट हो जाएंगे, जैसे हमारा पुराना DDP हो, 4 सीट हो जाएंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन मांगे, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशरम आदमी है। 60% ऐसे अफसर हैं जिन पर डंडा चलाओ तो वो काम करते हैं, या कर्मचारी डंडा चलाओ मतलब स्ट्रिक्ट रहो, डिसिप्लिन रखो, तो 80% 90% में भी काम हो जाते हैं यदि अफसर सख्त हो। तो आप जैसे मैं हूँ, आपने देखा होगा कि आम आदमी से तो आम प्यार से बात करता हूँ, पर अफसर पर बड़ा स्ट्रिक्ट होता हूँ, वो इसीलिए होता हूँ कि तुम्हारी गलती है, ताकि वो मतलब एक्टिव रहे, एक्टिव मोड में रहे, क्योंकि रिव्यू में फिर फंसेंगे मेरे से, तो अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा। तो ये है कि मेरी कोशिश ये है कि जो यहाँ पे आए समाधान शिविर में, वो तकरीबन उसका काम हो के जाए, वो मतलब ये हो कि भी मेरा काम हुआ। यदि मैं अपना 2-2.5 घंटे लगे, यदि मैं और SPR कमिश्नर और सारे अफसर लगा रहे 2-3 घंटे, तो शिकायत का निवारण होना चाहिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम तकरीबन ऐसे जैसे जो डिमांड है वो भेज देंगे, वो तो नहीं पूरी होंगी, पर शिकायतें जितनी भी हैं उनका निवारण हम जरूर करेंगे।
तो डिप्टी कमिश्नर साहब भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं निचले स्तर पर कोई गलतियां हैं जिसका खामियाजा जो है ऊपर तक भुगतना पड़ता है, और आम लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो सुबह घर से निकलते हैं और शाम तक जो है दफ्तरों के जो है चक्कर मारते रहते हैं, लेकिन नीचे वाले जो बाबू हैं वो राह तक नहीं देते और छोटी सी समस्या को इतना विकराल रूप उनको दे दिया जाता है, और ये खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ता है कि सरकार आई और उनके काम जो है इस सरकार में नहीं हो रहे, और सिर्फ जो अफसर हैं वो काबू में नहीं आ रहे, और अफसरों की अगर जो सही ढंग से अगर वाकई में चूड़ी कसी जाती है तो काम वो करेंगे और ऐसे समाधान शिविरों की जरूरत भी ना पड़े। तो आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।